अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मी साधिया किरण एंड वेलकम टू माय चैनल साधिया डिजिटल हब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलिजाद का डैशबोर्ड भी चेंज हो गया है, उसके साथ उसकी ज्वाइनिंग का सिस्टम भी चेंज हो गया और काफी तब्दीलियां आई हैं सिस्टम में। डैशबोर्ड के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, सामने स्क्रीन पे आपको थंबनेल पॉपअप हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके वॉच कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अलहयात को आप मेरी टीम के थ्रू ज्वाइन करना चाहें तो सामने स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अलहयात के अलावा अदर ऑनलाइन अर्निंग ऐप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अलहयात में किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी को अलहयात में ज्वाइन करवाते हैं तो उसको अपना एक रेफरेंस लिंक सेंड करते हैं। तो जैसे ही उस लिंक पे न्यू मेंबर क्लिक करेगा तो उनके सामने अब कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अब यहाँ पे आपको CNIC भी दरकार होगा, आईडी कार्ड नंबर भी लिखना होगा। एक ही आईडी कार्ड पे एक ही अकाउंट बनेगा। तो जो लोग अलहयात में ज्यादा अकाउंट्स बना के काम कर रहे थे अब उनकी वेरिफिकेशन भी होगी, सारा कुछ जो है वो प्रॉपर और ऑथेंटिक तरीके से होगा। बहुत से लोग अलहयात में एक से ज्यादा अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, आईडी कार्ड वगैरह नहीं पुट करते हैं, तो अब उन सब की मौजें बंद हो जाएंगी क्योंकि एक आईडी कार्ड पे एक ही अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, हर चीज जो है वो तस्दीक होगी, प्रॉपर ऑथेंटिक वे में वर्क होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रेफरल आएगा, जो भी रेफरल का नेम है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे अपना आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपना आपने यूजर नेम लिखना है, जो भी अपना नेम लिखना चाहे, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। ये सारा पेज आपने फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये फिल करके दिखाती हूँ। तो इस तरह करके आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर ले रही है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, रेल्टर, स्पेशल, प्रॉपर्टी। अगर आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं 20-25 हज़ार की अमाउंट से तो आप लोगों ने रेल्टर में लिखना है। अगर आप कर रहे हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट, तो आपने प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करना है। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने स्पेशल के पैकेज को सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर रेल्टर को सिलेक्ट कर दूँगी। और उसके बाद अब यहाँ पर आपका कंट्री आ जाएगा, पाकिस्तान। अभी क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रहा है लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि डैशबोर्ड पे वीडियो बनाएं, ज्वाइनिंग पे वीडियो बनाएं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझा रही हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के नेम भी आ जाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान शो हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी ऑप्शन भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगे। सो आप जिस कंट्री से भी साइन अप कर रहे हैं अपना कंट्री यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री के बाद जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये अलहयात के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि स्टेट में खैबर पख्तूनख्वा में हमारा प्रोजेक्ट है, सिर्फ अभी एक ही नाम शो हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी नाम भी शो हो जाएंगे। उसके बाद सिटी में आपने जो है वो सवात को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद एरिया में आपने चकतरा को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद ब्लॉक है, ब्लॉक में आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको सिलेक्ट कर दें क्योंकि अभी भी सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा तो यहाँ पे मजीद बाकी ऑप्शंस भी आते रहेंगे। सो अपनी ज्वाइनिंग को आप लोग स्टॉप नहीं करवाएं, जो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनको करके सारी ज्वाइनिंग्स वगैरह लगवा लें अपनी। और अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अलहयात की मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले थी $110, उसमें एक्टिवेशन फ़ी भी होती थी लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब $122 से ज्वाइनिंग होगी, $10 की एक्टिवेशन फ़ी उसमें ऐड होगी, तो टोटल हो गया $132 जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी अलहयात में, इससे कम में नहीं होगी। और इनके पास जो अवेलेबल स्केयर फीट हैं वो इतने ज़्यादा सारे हैं, यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है। उसके बाद अब आपको कितने स्केयर फीट चाहिए आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, एक चाहिए, दो चाहिए, जितने भी आपको चाहिए होंगे ना, तो यहाँ पे आपने वो नंबरिंग लिख देनी है और उसकी जो प्राइस है वो खुद ब खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप मिनिमम से आगाज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक लिखना है, उसके बाद देखें इसकी टोटल प्राइस खुद ब खुद ही आ गई $122, $10 इसकी एक्टिवेशन फ़ी है, तो टोटल जो है वो $132 में ज्वाइनिंग हो रही है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो आप लोग देखें कितनी अमाउंट बनती है।
अब अगर आप लोग 132 डॉलर को मल्टीप्लाई करें 185 रुपीज से, तो आप लोग यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 24,420 रुपए की अमाउंट बन रही है पाकिस्तानी रुपीज में। तो मतलब पहले 20,350 से ज्वाइनिंग थी, अब मिनिमम 24,420 रुपए से आप अल हयात का आगाज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वेयर फीट चाहिए तो यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिख देनी है, उसके बाद आप देखें कि उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह करके आपने ये सारा फॉर्म फिलअप कर देना है, और इसको फिलअप करने के बाद आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो प्रीवियस के ऑप्शन पे जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरे का पूरा फॉर्म आ गया है, जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट की है वो सारा कुछ आपको यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद जो मोर इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है, उसमें अपना कंट्री, स्टेट, आपने सिटी, और उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, कितने स्क्वायर फीट चाहिए, आपने ये सारा कुछ यहाँ पे लिख लिया है। एक दफा आपने इस फॉर्म को चेक कर लेना है, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट की है। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर है, वही जैसे कि पहले आप लोगों को बताया हुआ है, कंपनी के बैंक अकाउंट जो भी आप लोगों को दिए जाएंगे आपने उसमें पेमेंट करनी है, अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद 4 से 5 घंटे में आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप अल हयात में अब ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।